good morning students of class 5th so today we will start a new chapter of unit 5 keeping safe that is the name of the chapter is chapter 11 dealing with emergencies so as you all know that we will uh, we'll have to face some emergencies in our whether you are in our, your house or you are playing in the ground or you are on the road so वट आर एमरजेंसीज वेन यू ऑल नो दैट दी एक्सीडेंट्स मे एनी टाइम इन एनी प्लेस इफ़ यू आर साइकिलिंग मीन्स यू आर यूजिंग साइकिल यू आर ड्राइविंग एट दी ऑन द रोड एंड इफ़ यू आर एट दी होम यू आर यूजिंग एनी अप्लाइंसिस और आप घर में जो भी कर रहे हैं एक्सीडेंट्स डोंट इंफॉम यू बिफोर कमिंग आपको एक्सीडेंट्स इंफॉम नहीं करते हैं कि अब एक्सीडेंट होने वाला है बट

बहुत शांति से अपने दिमाग को यूज़ करना है माइंड को यूज़ करना है कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए फॉर लाइक like, आपके बर्न हैं अगर सपोज आपके कहीं बर्न हो जाता है आपका हाथ जल जाता है या कुछ आ, या आपका केमिकल से आपको कुछ हर्ट होता है या वेदर हम अभी कुछ भी कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में और तो कुछ भी हो सबसे पहले आपको शांति से बैठना है और सोचना है कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए देन यू हैव टू कॉल दी यो एडल्ट इमीडिएटली अगर आप घर में हैं देन आपको अपने पेरेंट्स को या आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर और अगर आपके कोई कजिन्स हैं जो आपसे बड़े हैं आपसे बड़े जो भी हैं आपको उसे कॉल करना है कि आ, सब तब वो आपको एक राइट right इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे कि आपको अब आप क्या करना चाहिए देन गिव फर्स्ट एड इफ़ पॉसिबल यू जो कभी भी अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है देन फर्स्ट एड इट दी इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन सब क्या होता है कि आप कहीं पर भी हैं तो वहाँ आपके सडनली uh, डॉक्टर तो नहीं पहुँच जाएंगे कि हाँ यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है आपको उस उस टाइम के लिए जब तक डॉक्टर आपके पास नहीं पहुंचते वहाँ पे आ, क्या यूज़ कर सकते हैं आप फर्स्ट एड यूज़ कर सकते हैं ठीक है क्योंकि डॉक्टर को आने में टाइम है तब तक कि हम पेशेंट को वेट नहीं करवा सकते तो हम उस टाइम पे फर्स्ट एड यूज़ करते हैं आपको अपने एडल्ट्स को बुलाना है देन उनके उनकी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको उनके प्रेजेंस में फर्स्ट एड यूज़ करना है देन अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन आपकी सीरियस है एंड डॉक्टर की हेल्प की uh, आपको नीड है देन यू हैव टू कॉल दी डॉक्टर एंड इफ़ इट पॉसिबल देन एन एम्बुलेंस आल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है आप नहीं लेके जा सकते uh, या डॉक्टर को बुलाने से भी नहीं होगा दैन यू हैव टू कॉल दी एम्बुलेंस ऑल्सो ओके न वट इज़ फर्स्ट एड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प तुरंत अगर आपको हेल्प देनी है अपना uh, जो पेशेंट है उनको डॉक्टर के पहुँचने से पहले देन हम उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं फर्स्ट एड दैन डू यू नो दिज आर द इमरजेंसी नंबर्स विच आर गिवन फॉर पुलिस इट इज़ हंड्रेड एंड फॉर फायर ब्रिगेड वन हंड्रेड वन एंड फॉर एम्बुलेंस इट इज़ वन हंड्रेड टू So, if you have to face any uh, difficulty or any emergency, then you have to call 102 ambulance. Then, uh, first aid for burns. सपोज आपके कहीं पर हाथ या पैर या कोई भी स्किन आपके बॉडी का सपोज बर्न हो जाता है उसमें जल जाते हैं देन यू वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू वॉश दी बर्न टेरिया अंडर कोल्ड रनिंग वाटर सबसे पहले तो आपका जो बर्न है वो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है लाइक like, आपका हो सकता है कि आपने कैंडल अपने हाथ में ले रखा हो उससे बर्न हो जाए या हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो जाए या आप जो क्रैकर्स यूज़ करते हैं उसमें या जो गर्म पानी होते हैं घर में हॉट लिक्विड्स होते हैं वाटर होते हैं उससे हो जाए या कहीं हो सकता है कि घर में किसी चीज़ से आपको फायर आग मिल आग लग जाए तो उस उस वजह से आपके जो आ, या फिर अगर कोई एसिड्स आपके घर में कहीं होंगे या आस या सपोज़ आप स्कूल में हैं देन आपके जो केमिस्ट्री लैब्स होते हैं वहाँ से कहीं हो जाए तो डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं जहाँ से आपके बर्न हो सकते हैं तो वॉट यू हैव टू डू सबसे पहले आपको जो कोल्ड वाटर है उससे उस बर्नड एरिया जहाँ आपका हाथ में यू कैन सी दिस पिक्चर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सबसे आपको सबसे पहले आपको वॉश करना है उस एरिया को जहाँ आपका बर्न हुआ है देन आपको क्या करना है कि उस इंजर्ड एरिया में एक ऑइंटमेंट या स्प्रे आपको वहाँ पे अप्लाई करना है उससे क्या होगा आपको जो जलन हो रही होगी ना बर्निंग सेंसेशन हो रहा होगा वो आपका रिलीफ मिलेगा उससे वो आपका नहीं होगा एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट uh, इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए कि वो जो ऑइंटमेंट एंड स्प्रे आप यूज़ करेंगे वो आप अपने एडल्ट के प्रेजेंस में ही यूज़ करेंगे एंड आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको आइस क्रीम या लोशन या किसी भी टाइप के ऑयल को यूज़ नहीं करना है डोंट यूज़ दिस टाइप ऑफ थिंग्स आइस क्रीम लोशन और एनी टाइप ऑफ अदर थिंग्स only use the ointment or spray which which the doctor had subscribed you कई बार क्या होता है कि आप अपने first aid box में ointment और spray इस चीज़ के लिए रखे रहते हैं कि कभी अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आप उसको वहाँ use कर सकें अब अगर ये तो बात हुई अगर आपकी ऐसा कुछ हो जाए नॉर्मली uh, अगर आपका बर्न हो बट सपोज आपका chemical के थ्रू बर्न हुआ है तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे आपको उस टाइम पे भी uh, वॉश करना है अपने बर्न एरिया को एंड आपको uh, क्या होता है कि केमिकल्स की वजह से जो वाटर की क्वांटिटी होती है हमारी बॉडी में वो भी अफेक्ट करती है इसीलिए जिनके हाथ में भी ऐसा बर्न हुआ है केमिकल की वजह से आप उनको बहुत सारा पानी देंगे पीने के लिए यू हैव टू गिव देम दी टू ड्रिंक सम वाटर एंड देन ब्लिस्टर्स शुड नॉट बी पंक्चर्ड वॉट इट मीन्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो नीचे आपका वर्ड uh, मीनिंग uh, है ब्लिस्टर वॉट इज द मीनिंग ऑफ ब्लिस्टर अ स्वेलिंग ऑन द स्किन फील्ड विथ वाइट लिक्विड आप जानते हैं कि जब कैमिकल से uh, आपने कई बार देखा होगा बट आई डोंट नो कि सब ने देखा है कि नहीं कई बार क्या होता है कि जब केमिकल्स से हमारे हाथ में uh, या कोई भी बॉडी पार्ट में बर्न होता है तो वो ना स्वेलिंग आ जाती है उसमें और स्वेलिंग और अंदर में क्या रहता है उस स्वेलिंग के वाइट लिक्विड जो है वो अंदर में फिल रहता है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड रहता है वो चीज़ देखने में बट ऐसा होता है तो हमने उसको हम उसको बोलते हैं ब्लिस्टर्स ठीक है और ये सिर्फ आपका केमिकल्स में आपने बर्न्स का देखा होगा नॉर्मली बट आपने केमिकल्स का आई डोंट नो देखा है कि नहीं तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और उसके ऊपर एक आ, स्वेलिंग के अंदर में वाइट कलर के आपके Uh, जो लिक्विड है वो फिल रहती है uh, तो uh, आपको क्या करना है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने से जब केमिकल से बर्न हो तो कुछ भी यूज़ नहीं करना है यू हैव टू ओनली वॉश दी बर्नड एरिया विथ वाटर एंड देन यू हैव टू कॉल द डॉक्टर और यू हैव टू गो टू दी हॉस्पिटल फॉर दैट ओके डोंट यूज़ एनी थिंग फॉर दैट बिकॉज केमिकल्स आर डेंजरस फॉर आर बॉडी पार्ट्स ओके देन टर्न दैक्स्ट पेज सो फर्स्ट एड फॉर कट्स एंड वॉन्ट्स सपोज आप कभी हॉस्पिटल्स आप मुझे नहीं लगता कि आप कभी कट्स या वॉन्स के लिए डॉक्टर के पास गए होंगे अगर जिसका बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में आ, कट होते होंगे तो आप जाते होंगे उसके लिए आप नॉर्मली अभी जिस एज में आप बहुत यू यू हैव टू प्ले ऑन दी प्ले ग्राउंड ऑल्सो सो कट्स एंड वाउन्स आर दी मोस्ट type of uh, things which you'll see uh, so what you have to do yahan यहाँ kya क्या होता है कि जो कट्स एंड वाउन्स होते हैं वो आपके सपोज uh, किसी बॉडी पार्ट में आपके कट हो गए then वहाँ से आपके जो जर्म्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में वो uh, हमारे बॉडी के अंदर जाने के chances उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको बोला जाता है कि आप डिटॉल को यूज़ करो ऐसा क्यों बोला जाता है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज़ करने के लिए बोला जाता है ये सब इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो जर्म्स आपके उस पार्ट से अंदर जाने वाले रहेंगे बॉडी में वो वहाँ से एंटर ना कर पाए ओके सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट कभी कभी क्या होता है कि आपको घाव हो जाता है या कहीं पर कट हो जाता है सो so ये उसकी बात हो रही है कट्स एंड बाउंडस आपको उस टाइम पर क्या करना होता है आपको नॉर्मली सबसे पहले आपको डिटॉल या कुछ भी यूज़ करने के पहले जो उस फर्स्ट एड को दे रहे हैं सपोज़ यहाँ पे अगर नर्स है नर्स उस फर्स्ट एड को यूज़ कर रही है उनके लिए तो उनको पहले अपने वॉश करने होते हैं हैंड्स उनको सोप से अच्छी तरह से अपने हैंड्स को वॉश करना होता है तभी वो जो जो, जो भी मेडिसिन देना होता है या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट हो एंटीसेप्टिक लाइक जैसे डिटॉल हो वो वो दे सकती हैं उनके बाद उसके बाद वो क्या करेंगे कि टर से उस एरिया को जहाँ पर उनको चोट लगी है वो उसे वॉश करेंगी देन वो उसमें डिटॉल या सेवलोन कुछ भी कोई भी एक बिकॉज दोनों ही एंटीसेप्टिक है उसे यूज़ करेंगी एंड वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीसेप्टिक द मीनिंग ऑफ एंटीसेप्टिक इज प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ जर्म्स मैंने आपको अभी बताया था कि हम डिटॉल का यूज़ क्यों करते हैं ताकि वो जर्म्स जो है वो अंदर ना जा पाए ओके देन द um देन यू हैव टू यूज़ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आपको पता है हम एक, एक क्रीम को यूज़ करते हैं डिटॉल यूज़ करने के बाद सो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट क्या यूज़ होता है सब्सटेंस दैट किल्स और स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एक्सेट्रा अब तो जर्म्स की हमने बात कर ली जो एंटीसेप्टिक यूज़ करेंगे धैन हम अब बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया अब जो वहाँ पे बैक्टीरिया होंगे उनको वहाँ पर किल करने का काम कौन करेंगे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट करेंगे ओके okay, अब जब आपने इसको यूज़ कर लिया है तो आप सबको पता है हम उसके बाद क्या करते हैं हम एक बैंडेज को यूज़ करते हैं ओके okay, और हम एक जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टर्निक्विट ये एक पीस होता है क्लॉथ का जो कि हम सपोज आपका कहीं कट हुआ है तो वहाँ पे आपकी जो ब्लीडिंग है वो भी होगी उसको रोकने के लिए वहाँ पर हम एक पीस ऑफ क्लॉथ यूज़ करते हैं जिससे कि वहाँ की ब्लीडिंग जो है वो वहाँ पर रुक सके और आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैं ये भी बता दूँ कि हम क्या करते हैं कई बार ब्लीडिंग को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा खून बह रहे हैं ब्लीडिंग हो रही है देन हम वी यूज़ स्लाइट अमाउंट ऑफ आइडिन ऑल्सो आइडिन से भी आपके जो डीप कट होते हैं उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं ब्लीडिंग से देन सपोज आपकी बहुत ही ज़्यादा डीप कट आ गई है तो आपको सबको पता है मैंने अभी आपको बताया कि आपको किसके पास जाना है एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू गो टू द डॉक्टर ताकि वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाए एंड सपोज़ uh, क्या होता है कभी कभी आपके जो रस्टिंग मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं इसका मतलब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें जंग लगे हुए होते हैं रस्टिंग होती है रेस्टिंग मीन्स जंग लग जाते हैं उनसे कई बार हमको जब चोट लग जाती कहीं कट हो जाता है तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि आपके मम्मी पापा ने आपको बताया होगा कि जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको इमिडिएटली uh, डॉक्टर के पास जाना चाहिए एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए बिकॉज़ वो वहाँ पे आपको टिटनेस का इंजेक्शन दे सकते हैं ओके देन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फर्स्ट एड फॉर नोज़ ब्लीड्स ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ने फेस किया होगा कि जब आपकी नोज़ ब्लीड होती है तब ये ज़्यादातर आपको कब देखने को मिलेगी समर टाइम पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी बिकॉज इट इज़ कॉमन इन हॉट एंड ड्राई डेज़ आपके जो ड्राई डेज़ होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आपको नोज ब्लीड्स देखने को मिले और ये आप लोगों को जो नोज़ के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड कैरी करती हैं वो क्या हो जाती है बर्स्ट हो जाती है कई बार ड्राई डेज़ की वजह से या सपोज़ हम हमने वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हमने कई बार नाक में चोट भी लग जाती है आपने देखा होगा कि कई बार नोज़ में आपको हर्ट हो जाता है चोट लग जाती है तो उस वजह से भी जो नोज़ के अंदर के जो ब्लड कैरिंग जो ट्यूब्स होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं सो आपको उस टाइम पर क्या करना है आपको उस टाइम पे सबसे पहले नोज़ ब्लीड हो रही है तो आपको उस पर्सन को हेड को टिल्टेड बैक मीन्स आपको पीछे की तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ उनको नोज़ करके नोज़ करने बोलना है और अपने जो हेड है वो थोड़ा पीछे की तरफ रखेंगे जिसकी वजह से जो नोज़ से ब्लीडिंग हो रही है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगी देन आप उस पर्सन को क्या बोलेंगे कि आप वो उनको नोज़ ज़्यादा यूज़ ना करें नोज़ हम नॉर्मली किसके लिए यूज़ करते हैं हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं यूज है, ओके सो so, हम वहाँ पे ब्रीद किससे करेंगे उस टाइम पे नोज से नहीं बिकॉज उसमें क्या हो रहा है ब्लीडिंग हो रही है तो हम उस टाइम पर माउथ से अब माउथ से हम ब्रीद करेंगे ताकि नोज पर ज़्यादा प्रेशर ना आए देन हम कोई भी वेट क्लॉथ कोई भी वेट क्लॉथ या तो आइस पैक उसको हम लेंगे और अपने नोज़ के ऊपर रखेंगे बिकॉज़ उससे क्या होगा कि मैंने आपको बताया ना कि हॉट एंड ड्राई डेज़ में ये चीज़ आपको ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलेगी तो आप जब वहाँ पर थोड़ा भी उसको कूल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से उसकी जो ट्यूब्स है वो फिर से नॉर्मल होने में हेल्प करेंगी और अगर बहुत ज़्यादा ही ब्लीड हो रही है आपकी नोज़ तो यू हैव टू कॉल दी डॉक्टर नाउ जब आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक्स के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही आपको केयरफुल रहना है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप उस पर्सन को वुडन स्टिक से वहाँ से मूव करें बिकॉज आपको पता है अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो आप उसे टच करेंगे तो आपको भी वो जो करंट है वो हर्ट करेगी और आप आप भी एक्चुअल में उसमें इफ़ेक्ट होगे तो सबसे पहले क्या करना है आपको आपके जो घर होते हैं या जैसे हमारा स्कूल है तो उसकी जो मेन कनेक्शन होती है जो मेन कनेक्शन जहाँ से पूरे स्कूल को या हमारे घर में जैसे होता है तो पूरे घर को जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है तो पहले हमें मेन स्विच को ऑफ़ कर देना है मेन स्विच को ऑफ़ करने के बाद एक वुडन स्टिक के थ्रू हमें उस पर्सन को वहाँ से मूव uh, करना है देन आपको उसको ब्रीदिंग चेक करनी है कि उसकी ब्रीदिंग प्रॉपरली हो रही है कि नहीं एंड देन मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको डॉक्टर के पास उसके बाद चले ही जाना चाहिए अगर उनको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम है देन यू हैव टू कॉल दी इमरजेंसी नंबर एंड अगर आप पॉसिबल है तो आप उसे अपने से हॉस्पिटल भी ले जा सकते हैं ओके दैन मूविंग टू दी नेक्स्ट पेज विच इज़ स्टेट फॉर स्प्रेंस अब स्प्रेंस क्या होते हैं कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आपके जो मसल्स हैं उसमें आपके पेन हो रहे हैं या आपके जो नर्व्स होते हैं उनमें कई बार क्या हो जाता है कि खिंचाना बोलते हैं कि नर्व्स जो हैं वो खिंचा गई हैं और मैं ठीक से मूव नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ तो स्प्रेन जो होता है ना वो आपका ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से होता है कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लियो तो आपके नर्व्स में पेन हो रहा है तो नर्व्स में पेन हो रहा है इसका मतलब आपके मसल्स में पेन होगा ऑटोमेटिकली तो आपको क्या करना है कि वॉट टू डू आपको कुछ आइस क्यूब्स होते हैं आइस क्यूब्स को आपके इंजर्ड पार्ट में जहाँ पर और ये मैं आप लोग को बता दूँ कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपके नॉर्मल पेन हो रहे हैं बट स्वेलिंग नहीं होती है एंड कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि पेन भी हो रहा है वहाँ पे आपके स्वेलिंग भी आ गई है तो उस टाइम पे आपको उस पार्ट में Uh, जो आइस uh, क्यूब्स है उसे रखना है जिससे कि वहाँ के जो नर्व्स हैं वो थोड़े ओपन हो और वहाँ के जो मसल्स पेन हो रहे हैं और स्वेलिंग है वो वहाँ पे थोड़ी नॉर्मल हो जाए देन आपको क्या करना है वहाँ पर एक क्रैप बैंडेज होता है आपको उसे वहाँ पे लगाना है आपने कई बार देखा होगा कि जो क्रिकेटर्स होते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी कई बार मसल्स में पेन होता है तब वो ऐसे टाइप के जो uh, इस टाइप के जो आपके हैं ना जिसे हम स्प्लिंट बोलते हैं ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं स्प्लिंट बोलते हैं वो उसे यूज़ करते हैं वहाँ पर देन आप लोगों को मैं ये बोल दूँ कि जो क्रैप बैंडेज होते हैं आप लोगों ने देखा होगा स्किन कलर के होते हैं ये तो आपके फ्रैक्चर के लिए हो गए जो आपके स्प्लिंट यूज़ हुए बहुत ज़्यादा ही जब हो जाता है ना देखिए स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर्स में डिफरेंस है लाइक like अगर आप स्प्रेन्स की बात करेंगे तो आपके मसल पेन होगी नर्व्स uh, में पेन होगा बट जब आप फ्रैक्चर की बात करेंगे कभी भी आप अगर ऐसा फील करें होंगे कि बहुत ज़्यादा ही आपको पेन हो रहा है ठीक है आपके जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं देन आप उसको बोल सकते हैं फ्रैक्चर और एक जो क्रैप बैंडेज हम यूज़ करते हैं ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है उस टाइम पे बिकॉज़ उससे क्या होता है कि आप आप अगर बार बार मूव करेंगे अपने अफेक्टेड पार्ट को तो वो जो मसल्स है वो बार बार आपको पेन देगा बट अगर आप क्रैप बैंडेज का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वो मसल्स उसी जगह पे रहेगी और आपके जो मसल्स है उसे वो रिलीफ मिलेगा ओके और आप वहाँ मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो उतनी जल्दी ठीक होगा इसलिए हम वहाँ पे किसको यूज़ करते हैं क्रैप बैंडेज को यूज़ करते हैं एंड देन मूविंग टू दी फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्स सपोज आपका आपको ऐसे पहले तो पता नहीं चलेगा कि आपके जो बोन है वो क्रैक है कि नहीं है आपको क्या होगा बहुत ज़्यादा पेन होगा अपने जॉइंट्स पे कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि वो मेरे मसल्स का पेन है बट आपको कुछ दिनों बाद में कुछ डेज बाद में आपको ये फ़ील होगा कि नहीं ये मेरे बोन्स का ही जो पेन है वो मेरे बोन्स का ही पेन है तो और वहाँ पे क्या होगी एक सबसे ईजीएस्ट वे है उसे आइडेंटिफाई करने का कि स्वेलिंग जहाँ पर भी अगर आपकी स्वेलिंग आ गई है तो आप ये पता लगा सकते हो कि हाँ वहाँ पे मेरा फ्रैक्चर है एंड जो स्वेलिंग आपकी स्प्रेन्स की होगी वो डिफरेंट होगी आपके फ्रैक्चर से ठीक है अब वॉट टू डू आपको उस टाइम पर क्या करना है आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस इंजर्ड पर्सन को आप बोल दीजिएगा कि वो अपने जो सपोज अगर उसका हैंड में हैंड में उसको प्रॉब्लम है देन वो अपने हैंड को मूव ना करें अगर वो अपने हैंड को ज़्यादा मूव करेंगे तो उसे पेन उतना ही ज़्यादा होगा बिकॉज़ वहाँ पे तो फ्रैक्चर हुआ हुआ है और फ्रैक्चर कहाँ होता है हमारे जो बोन्स होती है उसमें होते हैं आपको जो ब्रोकन बोन्स है जहाँ पे भी उसको फ्रैक्चर फील हो रहे हैं, आपको उस हैंड को सपोज हैंड में तो हैंड को उसे इसी पोजीशन पे रखना है जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं गए हो आपको उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है देन आप जब डॉक्टर के पास जाओगे जब आप उस जब वो उन्हें आपको ट्रीट करेंगे आपको देखेंगे कि कहाँ पे क्या है एक्सरे करेंगे एक्सरे इज़ नॉट गिवन इन योर बुक बट आई एम टेलिंग यू डॉक्टर्स विल डू योर एक्सरे जिससे ये पता चलेगा कि आपके कौन से बोन कहाँ से फ्रैक्चर्ड हैं वो आपको एक्सरे दिखाएंगे कि आपके बोन यहाँ से फ्रैक्चर्ड है देन एक ट्रेंगुलर प्लीस पीस ऑफ क्लॉथ वो वहाँ पर जो ब्रोकन आर्म रहेगी उस पे वो यहां पर वो यहाँ पर टाई करेंगे जिससे कि आपका जो हैंड है यहाँ से मूव ना हो पाए देन आप लोगों को ये ध्यान रखना है प्रिकॉशंस ये लेने हैं कि आपको उस अफेक्टेड पार्ट में मसाज नहीं करना है अगर आप मसाज करेंगे तो वहाँ से जो ब्रोकन बोन्स है वो और भी ज़्यादा ब्रोक हो सकती हैं इसलिए आपको उस अफेक्टेड पार्ट को सिर्फ और सिर्फ ऐसे पोजिशंस पे रखना है और कुछ नहीं करना है ओके okay, और उस ब्रोकन बोन को जब आप इस तरीके से टाई करके रखेंगे तो उसे वो जितना ज़्यादा आप ऐसा रखेंगे उतने ही जल्दी वो वहाँ से ब्रोकन बोन जो है वो फिर से ठीक हो पाएंगे ठीक है देन नेक्स्ट थी गेट मेडिकल असिस्टेंस एज सोन एज पॉसिबल आप सबको पता है मैंने आपको अभी बताया है कि आपको जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि फ्रैक्चर आप यू डोंट यूज़ एनी टाइप ऑफ फर्स्ट एड एट योर होम फॉर फ्रैक्चर्स नाउ फर्स्ट एड फॉर स्नैक बाइट्स सपोज आपने कभी सुना होगा कि कभी कभी आपको uh, आपने आई थिंक डिस्कवरी चैनल्स पे देखा होगा कि जब स्नैक बाइट कर लेते हैं तब आपको क्या करना चाहिए जब कभी भी पॉइजनस स्नैक आपको बाइट करते हैं देन उसे स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे एक अलग कलर का उसके पॉइजन की वजह से वो पोर्शन आपको अलग ही कलर का दिखने लग जाता है वो डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं कभी रेड कभी ब्लू इस टाइप की आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी क्यों ऐसा होता है बिकॉज़ जो आपके स्नेक ने जब बाइट किया तो उसमें जो पॉइजन था वो आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में चला गया और ब्लड में चला गया मीन्स आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो पॉइजन चले जाएंगे एंड इससे क्या होता है कई बार जो जो भी पर्सन होते हैं वो फेटल फेटल मीन्स कॉजिंग डैथ मीन्स कई बार वो उनकी डेथ भी हो जाती है अगर उन्हें ठीक टाइम पर फर्स्ट एड ना मिल पाए एंड देन वॉट यू हैव टू डू फॉर देट यू हैव टू वॉश द बिटन एरिया विथ सोप एंड वाटर आपको उस बिटन एरिया पर जहाँ पर स्नैक ने बाइट किया है उस एरिया को आपको आप सोप से और वॉटर से वॉश करना है वाई यू हैव टू वॉश देट एरिया बिकॉज दैट एरिया कंटेन्स पॉइजन ऑफ देट स्नैक उस एरिया में पॉइजन है उस स्नैक का और वो पॉइजन और ज़्यादा अंदर ना चले जाए इसलिए हमें तुरंत इमिडिएटली क्या करना है उसे वॉश करना है देन आपको क्या रखना है उसे थोड़ा एलिवेटेड रखना है एंड अप्लाई अर फोम वेट बैंडेज आपको क्या करना है कि उस बिटन एरिया को थोड़ा इस तरह से सपोज अगर इस हैंड में सपोज मेरे हैंड में आ, स्नैक ने बैठ किया है देन आप उसको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर करके रखोगे क्यों रखोगे बिकॉज यहाँ से मेरे हैंड की तरफ ऊपर की तरफ वो जो पॉइजन है वो ना जा पाए और आपको एक वेट बैंडेज लगाना है बिटन एरिया के टू फोर इंचेस ऊपर ऊपर क्यों लगाएंगे मैंने अभी आपको बताया कि जो पॉइजन है वो ऊपर हमारी बॉडी में ना जा पाए इसीलिए हम वेट बैंडेज को ऊपर की तरफ थोड़ा लगाएंगे ताकि वहाँ पे वो उस नर्व्स को पकड़ कर रखे और जो पॉइजन है वो नीचे ही रहे जहाँ है वहीं रहे ताकि हम वहाँ से उसे स्प्रेड होने से उसे रोक सकें वैनम वैनम मीन्स पॉइजनस सब्सटेंस एक्रेटेड बाई एनिमल्स जैसे स्नैक्स पाइडर्स एक्सेट्रा वैनम वो आपका पॉइजनस सब्सटेंस है जो आपके स्नेक्स या अदर एनिमल्स कैरी करते हैं देन वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू टेक दिक्टम टू दी डॉक्टर आपको उस पेशेंट को जिसको स्नैक ने बाइट किया है आपको तुरंत कहाँ लेके जाना है डॉक्टर के पास देन डॉक्टर विल गिव दैट पर्सन एन एंटी वेनम इंजेक्शन एंटी वेनम इंजेक्शन मीन्स जो आपके जो पॉइजन जो आपके बॉडी में गया है उस बॉ उस पार्ट में है वो वहाँ से उसे एंटी वेनम इंजेक्शन देकर वो जो पॉइजन है उसका वो अफेक्ट बिल्कुल हटा सकते हैं कम कर सकते हैं इसलिए हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए देन दी नेक्स्ट पेज इज़ फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स सो कई बार आपने देखा होगा कि जो बीज होती हैं जो लाइक like, आपके मधुमक्खियाँ होती हैं वो आपके आ, वो आपको आ, काट लेती हैं तो आप लोगों ने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना है अपने घर में कि इसे तो मधुमक्खी ने काट लिया है इसमें तो डंक था वो आपके बॉडी में अंदर चला गया है जैसे सपोज़ आपके यहाँ पे मधुमक्खी ने काटा ठीक है आपके थंब में तो आपने देखा होगा कि जिसको भी जिसने भी ये चीज़ फील किया होगा यहाँ पे ना कुछ स्टिंग जैसा रहता है मींस छोटा सा कुछ जैसे आपकी सपोज आप बोल सकते हो काटा होता है ना तो वो आपके यहाँ पे रहता है अब आपको उसको कैसे निकालना होगा बिकॉज वो तो बहुत ही थिन है लाइक आपके बीज वर्स्प स्पाइडर्स ये अगर आप स्टिंग कर दिए हैं तो आप आपको क्या करना चाहिए आप, आपने देखा होगा कि कई बार आपको एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिले होंगे एलर्जिक रिएक्शंस मीन्स कई बार आपको जब ऐसा कुछ होता है ना तो आपकी बॉडी में कई टाइप के एलर्जीज़ हो गए होंगे रेड रेड मार्क्स हो गए होंगे उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि उस स्टिंग को सबसे पहले निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए आप, आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने कई बार जो है वो स्टिंग को इस चीज़ को यूज़ करके निकाला है जो यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं ना ट्विज़र ट्विज़र से पकड़ कर उस स्टिंग को वो वहाँ से निकालते हैं बिकॉज़ वो जो स्टिंग, स्टिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होता है जो हम अपने इजली हैंड से रिमूव नहीं कर सकते हैं ओके okay? अब उस ट्विज़र्स के हेल्प से आप उसको निकाल सकते हैं वहाँ से एंड देन आप वहाँ आपको वहाँ पे क्या करना है बिकॉज उसमें भी पॉइजन होता है ना जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है तो उस एरिया को आपको सोप से या वॉटर से वॉश करना है देन आपको एक क्लॉथ लेना है उस क्लॉथ में आइस क्यूब्स को रैप करके उस अफेक्टेड एरिया को रब करना है जिससे कि क्या होगा आपके जो अफेक्टेड uh, एरिया है वो थोड़ा कूल cool हो जाएंगे और पॉइजन का जो uh, वहाँ पे डैमेज किया था उसने वो वहाँ पे ठीक हो जाएगा देन आपको यही प्रोसेस टेन मिनट्स तक इस प्रोसीजर को uh, पूरी तरीके से फॉलो uh, करना है देन आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा एंड देन यू हैव टू यूज़ सम जेंटल क्रीम टू रिड्यूस ईचिंग कई बार क्या होता है कि जब ये स्टिंग्स हो जाते हैं ना तो आपको ईचिंग सी भी फ़ील होती है पूरे बॉडी में एक्चुअल में फ़ील होती है उस टाइम पर आपको एक क्रीम का यूज़ करना है एक जेंटल वे से आपको उस क्रीम को वहाँ लगा देना है जिससे कि आपको ईचिंग ना हो देन फॉर एनिमल बाइट्स कई बार एनिमल्स जो हैं वो बाइट कर लेते हैं एंड दिस इज़ दी मोस्ट कॉमन थिंग यू हैव हर्ड अबाउट एनिमल्स जैसे कि आपके सपोज डॉग्स हैं बैट्स हैं कैट्स हैं सलाइवा जो होते हैं उनके uh, क्या होता है कि उनके सलाइवा में जर्म्स होते हैं अब जब वो हमको कट करेंगे तो वो सलाइवा हमारे जो स्किन है उसके थ्रू अंदर जाएगा एंड देन वो स्किन के थ्रू हमारे नर्व्स में जाएगा और नर्व्स के थ्रू वो किस में जाएगा हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं ब्लड में चले जाएंगे एंड ब्लड जो है वो पूरे हमारे बॉडी में स, ए, 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 सप्लाई होती है तो एक्चुअल में जर्म्स हमारे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा और इससे आपको पता है कि इससे डेथ भी हो सकती है ठीक है सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस टाइम पे क्या करें व्हाट टू डू सो आपको ब्लीडिंग रोकने के लिए बिकॉज आपको पता है कि अगर कोई एनिमल बाइट करेंगे तो उनके जो टिथ होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसमें से ब्लीडिंग होगी तो ब्लीडिंग को आपको स्टॉप करने के लिए एक कॉटन वुल लेना है ठीक है जहाँ पर सपोज uh, जहाँ पर आपका uh, वाउंड हुआ है जहाँ पर आपके घाव हुए हैं जहाँ पे कट हुआ है उसको आप एक कॉटन वुल लेना वहाँ पे सलाइवा सबसे पहले आपको रिमूव करना है उस सलाइवा को रिमूव करने के लिए आपको उस वाउंड वाले पोर्शन पे सोप या वाटर को यूज़ करके उसे वॉश करना है और फिर उस कॉटन वुल को उसके ऊपर प्रेस करके रखना है ओके okay, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये कि आप कोई भी मेडिसिन वहाँ पे नहीं लेंगे एंड यू डोंट हैव टू यूज़ एनी टाइप ऑफ फर्स्ट एड फॉर दैट यू हैव टू रन टू द डॉक्टर आपको डॉक्टर के पास जाना है इमिडिएटली एंड द डॉक्टर विल गिव गिव यू द एंटी रेबिस इंजेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ओके देन फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग सपोज हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है लाइक नेल पॉलिश नेपथलिन बॉल्स पेंट्स डिटर्जेंट्स लाइक सम मेडिसिन विच विल कॉज एक्चुअली द पॉइजन ठीक है जिससे हमें पॉइजन हो पॉइज़न हमारी बॉडी में आ सकता है सो so, कुछ ऐसे टाइप की चीज़ें उससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए सपोज़ अगर ऐसा कुछ हो जाता है पॉइजन हमारी बॉडी में चला जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं एक तो ये कि आपको ब्लर दिखाई देगा सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्लर दिखाई देगा आपको क्लियरली ये विजिबल नहीं होंगी चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा आपको फीवर आ सकता है और आपको ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है सो so, आपको उस टाइम पे क्या करना है केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग आपको अगर कभी भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है तो आपको जितना ज़्यादा हो सके उस पेशेंट को उस विक्टिम को वॉमिट करवाना है मीन्स जितना ज़्यादा हो सके उसे ट्राई करना है कि वो वॉमिटिंग हो जाए उसे जिसकी वजह से जो पॉइजन अंदर गया है वो जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाए एंड देन लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू रन टू द डॉक्टर आपको उसको लेकर डॉक्टर के पास जाना है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे वहाँ पर डॉक्टर ट्रीट करें एंड दी डू यू नो पोर्शन इज़ द रेबिस जो होते हैं वो इज़ ऑलमोस्ट फेटल मतलब अगर कभी ऐसा होता है कि कोई डॉग आपको बाइट कर लेते हैं और प्रॉपर आपको डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं मिला या आप नहीं गए दैन इट कैन इवन कॉज डेथ फॉर यू आपकी डेथ भी हो सकती है उस टाइम पे ओके okay, सो so, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपको किसी डॉग ने कट बाइट कर लिया है देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ हाइड्रोफोबिया अगर कभी भी ऐसा रेबिस होता है तो जो फियर ऑफ वाटर मींस आपको क्या होगा वाटर से बहुत ज़्यादा डर लगना स्टार्ट हो जाएगा वाटर को टच भी नहीं कर पाओगे ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है तब जाके समझ में आता है कि हाँ हमें एंटी रेबिज़ इंजेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट इतने टाइम तक आई थिंक यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट ऑल्सो आप इमिडिएटली अगर कुछ ऐसा होता है तो यू हैव टू कॉल दी डॉक्टर एंड वॉट इज़ योर होमवर्क

इनका क्या क्या यूज़ है यू हैव टू फिल दैट एंड यू हैव टू डू द टाइम टू आंसर ऑल्सो ओके टाइम टू आंसर को भी आपको करना है जो पेज नंबर वन हंड्रेड थर्टी थ्री में है दिस आर यू दिस ऑल आई यो होमवर्क एंड नाउ द अदर थिंग्स लाइक फाइव इमरजेंसीज फाइव कॉज्ड बाय ऑयल एंड ऑल सो वी विल वी विल लर्न दैट टमोरो सो दिस इज़ इट फॉर This chapter today. You have to complete all your homeworks. Okay. Thank you so much.